जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन ई-स्पोर्ट्स की जो राइवलरी सीरीज चल रही है उसके रिलेटेड। तो सबसे पहले प्राइस पूल के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो यार प्राइस पूल जो है वो इस इवेंट का 3 लाख रुपए तक है। इसमें से जो टीम विनर बनेगी उसको 1 लाख, सेकंड को 50,000, थर्ड को 30,000 और एंड सो ऑन चलता रहेगा। और यार इसके अलावा दो टीम सेवन ई और आर3 जी जो है वो डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इसके अलावा इनके जो वीकेंड के मैचेस हैं उसमें से टॉप 14 टीम जो है हमें फाइनल खेलती भी दिखाई देंगी। और यार इस इवेंट के 2 दिन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और यार इन 2 दिनों में आईटी स्पोर्ट्स और टीम स्टार की तरफ से काफी अच्छा परफॉर्म किया गया है। यार इनके अलावा गर्च एंड ग्लोरी टीम जो है वो टॉप ऑफ द टेबल, इनसे भी अच्छा परफॉर्म कर बैठी हुई है। यार जीजीस टू गर्च एंड ग्लोरी। और यार इसके अलावा ओवरऑल स्टैंडिंग्स में आईट सेकंड पर है, 141 थर्ड पर, स्टार फोर्थ पर और रेज फिफ्थ पर। इसके अलावा जो मजीद रैंकिंग है वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यार कल के दिन में टीम स्टार जो है वो एक चिकन डर भी निकालती है, तो आप लोग वो देख लें। इनको भी दाद देना पड़ेगी कि टीम स्टार ने अभी तक अपने आप को इस मैच में फुल मैन बचा के रखा हुआ है। अच्छी तरह से सर्कल के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जाके इनफैक्ट उन्होंने सर्कल में जो अपनी जगह बना भी ली है, सर्कल को ऑन करते हुए प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। सो टीम स्टार सो फार इस मैच में बेहतरीन जाते हुए 3 किल्स निकाल चुके हैं। मजीद किल्स अभी आना बाकी है, 4th किल भी आ जाएगा। और टीम स्टार एक चिकन डिनर के बहुत ज्यादा कुत्ते में करीब लेकर आते हुए, जेडी भी काफी लो एचपी कर दिए जा चुके हैं। टीम स्टार के प्लेयर्स को ज्यादा देर नहीं करनी है, व्हीकल आपको लेकर जानी है, आपको आगे बढ़ना है। जो नेट्स आपके पास मौजूद है नेट्स का अपने बरसाना है, बिकॉज तभी टीम स्टार एज सून एज पॉसिबल हम इसमें आज कच्चे कंटेनर करते हुए दिखाई दे जाएगा। और बिल्कुल किया जाएगा, एक प्लेयर ऑलरेडी व्हीकल के टॉप पर जा चुके हैं, प्रोबेबली 4-4 प्लेयर रहने वाले हैं, लेकिन पॉन्टेड वो नीड करेंगे। खिलाड़ी मजीद घुसेगा लेकिन ठीक है, फायर करेंगे, उनको नॉक दिया जाएगा। दानियल भी इसका गिराते हुए दिखाई देंगे। इसी दौरान जेडी का मजीद फायर आएगा, गेट्स नॉक्ड आउट, बट स्टिल इट विल बी आई बिलीव टीम स्टार जो कि हम इस मैच का विनर चिकन डिनर कंफर्म करते हुए दिखाई देगी। मगर टीम स्टार के अलावा ये टी स्पोर्ट्स ने भी कल के दिन में बैक टू बैक 2 चिकन डिनर निकाले थे, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। ऑन एक साइड के 4 प्लेयर्स रहने वाले हैं, 4v3v2 फाइट। स्टार हमें कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई देगी। सो यस, किसी एक का आगे बढ़ना यहाँ पर बहुत ज्यादा लाजिम रहेगा, और किसी को तो यहाँ पर हिम्मत जो है दिखानी पड़ेगी, बिकॉज नेक्स्ट सर्कल हमारा अब बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो चुका है। आपको कोई भी टीम प्रॉपर तरीके के साथ फिलहाल जो नेक्स्ट स्टेज रहने वाले, जो नेक्स्ट सर्कल हमारा बन चुका है उसमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन क्रिप्टो लुक एट हिज नेड, क्या ही बेहतरीन ग्रेनेड किया जाता है उनके एंड से, एक दूर से ग्रेनेड फेंकते हैं, एक्यूरेट नेड रहेगा। और टीम एगोनिक से क्रिप्टो एक डिसाइसिव किल है, वंस अगेन कंफर्म करके टीम स्टार को टेकन करने की जानिब जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। वांटेड द लास्ट मैन स्टैंडिंग नाउ, उनके ऊपर भी कुछ नेट्स करने की कोशिश जारी रहेगी। आईक्यू की क्रिप्टो भी बैक साइड में मौजूद है, वो फायर करने की कोशिश करेंगे, रैंडम फायर जब किए जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस जगह पे वो फायर कर रहे हैं वहां पर प्लेयर मौजूद नहीं है, आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा। जी हाँ, ये वो जगह है जहां पर आईक्यू का फायर कनेक्ट करता है, किल वो कंफर्म करेंगे। और अब टीम एगोनिक साइड ऐसा लग रहा है इनको रोकना तकरीबन इम्पॉसिबल रहेगा, लेकिन सेवन ई स्पोर्ट के हस्ती रिटालिएट करेंगे, नॉकआउट निकाल लिया जाएगा, लेकिन अपनी बिल आकर गिर ही जाएंगे। कब तक वो फाइट करेंगे, क्योंकि टीम एगोनिक साइड जब इस तरह से आगे बढ़ती है तो ऑब्वियसली ये टीम ज्यादा मौकों पर आपको विन ही करते हुए दिखाई देती है। और इस मैच के अंदर भी काफी ज्यादा पैसिव स्टार्ट था टीम एगोनिक साइड का, लेकिन अगेन वही नंबर जिसकी आखिर में बात हो भी रही थी कि अगर यहां से टीम एगोनिक साइड ज्यादा किल्स निकाल कर जाती है तो 8 से 10 किल्स पॉसिबल है, और आई थिंक 10 किल्स स्टिल वो मैनेज करके चाहते हैं सेकंड इनिंग के साथ। 3-way डेडलॉक पे बन जाती है, लेकिन अब वक्त आ जाता है थोड़ी खामोशी अपनाने का, बिकॉज 7th जोन बन चुका है और जोन में 7e Sports और टीम एगोनिक साइड दोनों ही टीमों को जाना पड़ेगा। लेकिन जेडी को नॉकडाउन करने के साथ टीम एगोनिक साइड आगे बढ़ रहे हैं अपने बैक टू बैक विनर बना चिकन डिनर के लिए। लेकिन अभी भी एक प्लेयर घास के उस कवर में छुप के बैठा हुआ है, अता पता प्लेयर्स को रहने वाला है। लेकिन अब वक्त आ जाता है टीम एगोन का भी जोन के अंदर जाने के लिए। हैकर ऑलरेडी यहाँ पे एक हेबल्स की कवर में मौजूद रहने वाले, लेकिन टीम 7e Sports थर्ड पार्टी किधर है? अभी भी वो सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन उजम एलिमिनेट कर, तो मेरे ख्याल से उजम भी एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन वेलहला यहाँ से वो किल अगर कंफर्म ना करें तो बेहतर रहेगा, बिकॉज उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन उनको स्पॉट ऑन करके आए कि उनको एलिमिनेट करते हैं। रॉय की सिचुएशन 1v2 में तब्दील हो जाती है, उजम आगे बढ़ के जा रहे हैं, हाथ में टीपीएस मौजूद, रॉय के पास ड्रॉप का कवर जरूर रहेगा। एक और प्लेयर को नॉक डाउन करते फाइट को तब्दील कर जाते हैं 1v1 में, एक नेट की मार, बट अनफॉर्चुनेटली नेट मौजूद रहने वाला, दूसरी जाए बाई क्यू रिवाइव दे बैठे हैं मेरे ख्याल से।
और वेलहला का भी किल कंफर्म कर लिया जाएगा। रॉय क्या आप यहाँ पे कहानी लिख पाएंगे? 1v2 करके जाना है एगोनिक्स आई8 को। ऑलरेडी जो दूसरा प्लेयर रहने वाला था एगोनिक्स आई8 ने रिवाइव दिया ही नहीं है, तो इट्स अ 1v1, इट्स अ परफेक्ट 1v1। गियर्स फ्रेश रहेंगे रॉय के पास, आई8 मैं देखना चाहूंगा उनके पास जो गियर्स हैं वो किस तरीके के यहाँ पे डैमेज डील आउट करने वाले हैं। लेकिन अब प्योर पोर्टल प्योर फाइट गन स्किल बेसिस पे आ चुकी है, बिकॉज दोनों ही प्लेयर के पास सिमिलर सेट ऑफ कवर भी रहेगा। जी बेशक, और आई थिंक IQ जो है वो रेव कर दिए जा चुके हैं, बिकॉज IQ का आप देखेंगे उनकी HP में कम होते हुए नहीं दिखाई दे, इनफैक्ट वो रिंग रिंग के आगे जा रहे हैं। सो यस, इट्स अ 1v2 फाइट, I8 के IQ, I8 के एगोनिक्स के I8 वो सामने मौजूद रहेंगे, दोनों प्लेयर फायर करेंगे और 7x रॉय बिलाकर हिम्मत हमें हारते जो है जरूर दिखाई दे जाएंगे, और टीम एगोनिक्स साइड लेकर जाएगी अपना बैक टू बैक आज के दिन पर ये दूसरा विनर विनर चिकन डिनर। जीजी टू टीम स्टार एंड टीम आई है। क्या ओवरऑल स्टैंडिंग देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कौन सी 14 टीम जो है हमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हुई दिखाई देंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर इसके अलावा PMC और साउथ एशिया की राउंड 64 के लिए जो क्वालिफाइड टीम्स है वो भी सामने आ चुकी है, इसमें पाकिस्तान की तरफ से आई टी स्पोर्ट टीम रेस टीम 141 वगैरह खेलती हुई हमें दिखाई दे रही है, और इसके अलावा तमाम जो 64 टीम्स है वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर 128 टीम्स का जो राउंड हुआ था उसमें आई टी स्पोर्ट ने जो है वो टॉप किया था, तीन मैचेस में आई टी स्पोर्ट जो है वो 61 निकाल सकी थी। फिर PMC को जो फाइनल्स हैं उसकी भी डेट्स अनाउंस हो गई हैं, और वो 23 और 24 दिसंबर को खेले जाएंगे, जो कि PUBG मोबाइल ऑफिशियल YouTube चैनल पे लाइव भी होंगे, तो आप वहां पर लाइव देख भी सकेंगे। अगर इसके अलावा मजीद आगे बने तो आप लोगों को पता ही होगा कि ISC जो है वो PMGC की विनर बनी, और स्टालवर्ट ईस्पोर्ट जो है उन्होंने सेकंड नंबर पर फिनिश किया था, तो इसी के चलते मंगोलियन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें अप्रिशिएट किया गया और मंगोलिया पार्लियामेंट में तमामी प्लेयर्स को सराहा गया। पर एक तरफ मंगोलिया जहां इतना सपोर्ट दिखाया जाता है और यहां आए दिन बैन करने की धमकियां मिल रही होती हैं, फिर मंगोलिया गवर्नमेंट OP और उनको अप्रिशिएट करना इस बात के लिए बनता है। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो रिसेंटली आदि असलम ने अपने इंस्टा पे Q&A लगाया था, इसमें वो बहुत सी चीजों के रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि PMSL जो है वो सिर्फ साउथ एशिया का होगा या सिर्फ पाकिस्तान का, तो उसके रिलेटेड आदि लिखते हैं PMSL पूरे साउथ एशिया का होगा और 1000% लेन होगा और PMSL के क्वालिफायर्स भी होंगे। इसके अलावा कोई फैन इनसे पूछता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के कोई इम्कान है, उसका वो रिप्लाई देते हैं और वो लिखते हैं इम्कान तो है, फिर मुझे तो नहीं लगता है कि इम्कान वगैरह है, लेकिन अगर आदि के मुताबिक इम्कान है और अगर ऐसा हो गया तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एक और चीज भी कंफर्म कर दूं कि PMSL जो है वो जैसे फॉल और स्प्रिंग हुआ करते थे उसी तरह से होंगे और दोनों के दोनों ले लोंगे। फिर यार अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, बगैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।